tenniscricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। प्रतीक पटेल और इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शो को खेला बल्लेबाज ने 4 रन के लिए। खूबसूरत पारी बल्लेबाज इरफान दीवान की ओर से। और इस बार फोटोस बनाकर शो को खेला सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। इज वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल आल्सो। यस इज गिवन 6 रन फ्लैट 6 इरफान दीवान की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। मेरे डी पावर प्ले ओवर्स का ये आखिरी ओवर है, लास्ट फिनिंग रिस्ट्रिक्शन ओवर। और इस बार फिर से डीप वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल ऑल्सो से ही वाज 6 ऑल्सो। अब स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है, एक विकेट के नुकसान के ऊपर बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही। वैसे ओपन गुजरात टेनिस क्रिकेट के बहुत ही महत्तम बल्लेबाज है इरफान। ये 4 रन है, ये निसी 4 है, 1 बाउंस 4 रन। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 20 रन। 6 शुरुआत जिसको कहा जाना चाहिए, 20 इन सेकंड ओवर। इट इज वेरी इंप्रेसिव बैटिंग परफॉर्मेंस एंडेड बाय इरफान दीवान फॉर जीगर सुपर किंग्स इलेवन इन सेकंड। और ये गेंद सीधे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। सो ब्यूटीफुल टाइमिंग जिसको कहा जाना चाहिए इरफान दीवान की ओर से। सच अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव ओवर, फर्स्ट ओवर मीडन एंड आफ्टर 26 रन इन मिनटरी पावर प्ले ओवर्स नंबर 2 26। सर फीलिंग रही स्ट्रेट मिड ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। हाइट कम पड़ी जिसको कहा जाना चाहिए डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ जीगर सुपर किंग्स इलेवन का 33 रन। और इस बार मिड विकेट के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला और ये मिस कम्युनिकेशन जिसको कहा जाना चाहिए मिनेश की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 37। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस करने की पूरी कोशिश की जा रही है इरफान दीवान की ओर से जीकर सुपर किंग्स इलेवन के लिए। मिस्टर तिलकेश पटेल और इस बार पॉइंट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। हाई स्कोरिंग मैच जिसको कहा जाना चाहिए, वेरी हाई प्रोफाइल मैच है इरफान दीवान। स्पेंड अ लॉट ऑफ इयर्स इन साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट। और ये 6 रन, ये सीरीज 6 रन के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है ठीक 50 रन। बारह गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए इरफान दीवान ने। वैसे ये रिकॉर्ड कायम किया गया एनसीपीएल में मिनेश पटेल की ओर से भी बनाए गए थे। और इधर स्क्वेयर लेग शामिल नहीं किया गया है बाउंड्री लाइन के ऊपर पूजन शाह की ओर से।
और ये कैच है भाई। हाँ, सच इज अ वेरी बिग गैप जिसको कहा जाना चाहिए। हाई स्टैंडर्ड स्पिनिंग का होना बहुत ही जरूरी है बड़ी मैच में। और ये क्लियर कर जाएगी वहां पे, आ गया है, हाफ वॉली में कन्वर्ट किया गया है, बहुत ही बेहतरीन एलिवेशन। अब आने वाली 17 गेंदों के ऊपर 53 रन चाहिए, रिमेनिंग 17 बॉल 53 रन। आने वाली 17 गेंदों के ऊपर 53 रन चाहिए, रिमेनिंग 17 बॉल 53। और इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए, 46 रन चाहिए आने वाली 16 गेंदों के ऊपर, रिमेनिंग 16 बॉल। जिगर सुपर किंग्स इज नीड 46 रन। ये ओवर वैसे भी बहुत निर्णायक है, विकेट की सोच की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण बल्लेबाज बल्लेबाज के ऊपर। और ये कैच, ये कैच नहीं, ये मैच था जिसको कहा जा रहा है, बहुत ही लो डाउन कैच छोड़ा गया वहां पे। सच इज अ वेरी बिग मिस्टेक बाय विनेश पटेल आल्सो इन डीप मिड विकेट रीजन। कैच छोड़ना इसका मतलब कि मैच छोड़ना, मैच में बने रहे जिसको कहा जाना चाहिए। सच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैच इज ड्रॉप, मैच छोड़ने के बराबर है जिसको कहा जाना चाहिए। हाथ में लगना इसका सीधा मतलब ये कैच है इवन की ओर से। इस बार शॉर्ट गेंद डी पॉइंट के ऊपर से स्टोक को खेला बल्लेबाज ने 4 रन के लिए, सर वेरी कॉस्टली जिसको कहा जाना है, काफी पछतावा जिसको कहा जाना चाहिए। मिनेश पटेल की ओर से कैच छोड़ा गया, उसके बाद में चौका बल्लेबाज की ओर से, हाथ में कैच। कई बार कई टीमों से छोटी गलतियां की और कई टीमें टूर्नामेंट से भी बाहर हो चुकी है। इफ यू कैन अ स्मॉल मिस्टेक इन अ वेरी क्रूशियल स्टेज टीम इज आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। पटेल ने संभाल रखी है, ये 6 रन। एज हाउ मेनी रन इज रिक्वायर इन द रिमेनिंग 5 बॉल 10। ओके, कैच छोड़ना जिसको कहा जाना चाहिए मैच छोड़ने के बराबर भी है। एक झोली में कैद दिया गया था वहां पे इरफान दीवान की ओर से, छोटी गलती टूर्नामेंट्स में कई बार कई बड़ी टीमों को भी बाहर कर चुके, खासतौर से लीग मैच जिसको कहा जाना चाहिए।